जिसे आज हम प्यासा कौवा लिखेंगे। यह एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें बताया गया कि ज़रूरत ईजाद की माँ है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर तड़प हो। तो सबसे पहले हम उनवान देते हैं कट मार्कर 605 की मदद से, प्यासा कौवा। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
दीजिएगा, ये सबसे लास्ट में लिखना आपने। इसी तरह आपने मार्कर से लिखना, ये कट मार्कर 605 की मदद से और ये 604 की। ज़रूरत ऐजाद की माँ है। एक और मोरल लिखते नीचे, जहां चाह वहां राह। प्यारे दोस्तों, ये हो गया मोरल, यानी नतीजा, ज़रूरत ऐजाद की माँ है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो एक दफ़ा मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने कट मारकर 605 या 604 की मदद से ऊपर लिखना प्यासा कौवा, फिर आपने स्टार्ट करनी स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है कि कौवा बहुत प्यासा था, इसने इधर उधर पानी की बहुत तलाश की मगर इसे पानी कहीं नज़र न आया। कौवे बेचारे का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, लेकिन इसने पानी की तलाश जारी रखी। अचानक इसे एक बाग में घड़ा पड़ा नज़र आया। वो उठकर इस घड़े पर जा बैठा तो देखा घड़े में पानी बहुत कम था, इसकी चोंच पानी तक ना पहुँचती। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो उठता हुआ गया और कुछ कंकरियाँ उठा लाया। इसने बार बार कंकरियाँ घड़े में डाली तो घड़े में जो पानी है वो ऊपर चढ़ाया। कौवे ने जी भर कर पानी पिया और उठ गया। नतीजा, ज़रूरत ऐजाद की माँ है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।